मेरा नमस्कार दोस्तों, रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मारुति सुजुकी ने अपना Q1 का रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसने अपने Q1 रिजल्ट में 249.4 करोड़ का लॉस बुक किया है और इनके रिवेन्यू जो है 79% डाउन हो चुके हैं और इसका कारण रहा है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था जब मारुति सुजुकी ने अपना एनुअल रिजल्ट प्रस्तुत किया था मई महीने में, उस समय हम लोगों ने एक वीडियो डिटेल से एनालाइज करके मारुति सुजुकी का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि मारुति सुजुकी के रिजल्ट के आधार पर हम लोग ये इसके प्राइस की गणना किए थे कि इनका आने वाले दिनों में प्राइस रेंज किस प्रकार का रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले उस पुराने वीडियो को देखते हैं कि उस वीडियो में हम लोगों ने क्या पाया था और क्या हम लोगों ने इसके प्राइस के एस्टीमेट्स लगाए थे, उसके बाद हम लोग इसके रिजल्ट को एनालाइज करके फ्यूचर प्राइस ट्रेंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अब चूंकि इन्होंने अपना लॉस बुक किया है Q1 रिजल्ट में, तो आगे मारुति सुजुकी के शेयर भाव किस प्रकार के रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उस वीडियो को हम लोग देखते हैं। और उसके बाद चूंकि लॉकडाउन हुआ और इनका सेल ऐसे ही इंपैक्टेड हुआ तो इनका रिजल्ट काफी खराब हुआ है इस वजह से। तो उसके चलते हम लोग इसका थोड़ा सा रिजल्ट को देख लेते हैं कि एक स्क्रीन पर पिछले 10 साल का एनुअल रिपोर्ट मारुति सुजुकी इंडिया का दिख रहा है और हम लोग इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2018 में मारुति सुजुकी लगभग 89,809 करोड़ का बिजनेस की थी, जो कि मार्च 2019 में बढ़ करके 86,068 करोड़ का हो गया और अभी जो हाल में इन्होंने रिजल्ट दिया है उसमें इनका डिग्रोथ होकर के सेल्स 75,660 करोड़ का रह गया है। तो यहाँ पर जो है हम लोग को डिग्रोथ देखने को मिल रहा है इनके रिवेन्यू फ्रंट पर। और दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट को भी देख लिया जाए, मार्च 2018 में 7,880 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज की थी और वो घट करके मार्च 2019 में 7,649 करोड़ का रह गया था और FY20 में ये और भी घट करके 5,676 करोड़ का रह गया। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इनका ईयर ऑन ईयर जो है नेट प्रॉफिट में डिग्रोथ देखने को मिल रहा है और इस हिसाब से हम लोगों ने पुराने वीडियो में इनका जो है एस्टिमेट को घटाया था और प्राइस रेंज भी इसका घटा था, लेकिन अब जो FY20 का रिजल्ट के हिसाब से इनका EPS भी देखिए, इसमें भी काफी डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब इस हिसाब से हम लोग इनका नया प्राइस जो एस्टिमेट लगाते हैं इनके FY20 के रिजल्ट के आधार पर कि अब किस रेंज में मारुति सुजुकी इंडिया को ट्रेड करना चाहिए। सारे एनुअल रिजल्ट को हमने यहाँ एकोमोडेट कर लिया है और इनका जो अभी का FY20 का रिजल्ट आया है उसके अनुसार इनका जो प्राइस रेंज हो रहा है मैक्सिमम वो 5,943 रुपये आ रहा है और मिनिमम प्राइस रेंज जो है 4,383 रुपये आ रहा है। अब इसको हम लोग चार्ट के हिसाब से भी देखने और समझने का कोशिश करते हैं कि क्या ये रेंज हम लोगों को मारुति सुजुकी इंडिया में देखने को मिल सकता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मारुति सुजुकी इंडिया लगातार जो है गिरावट इसमें देखने को मिल रहा है और ये जो लो बनाया था 4,218 का लो बनाया था पुनः इसमें जो है तेजी आई और ये लगभग 5,100 रुपये के आसपास गया है जिससे इसमें गिरावट देखने को मिली है और 4,800 के आसपास ये फिर से ऊपर बाउंस बैक दिया है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका जो प्रॉफिट है
जो आया है वो लगभग जो है 5,676 करोड़ का आया है, और इस प्रॉफिट रेंज में हम लोग देख रहे हैं कि ये लगभग जो है मार्च 2016 के प्रॉफिट के आसपास में ये दिख रहा है। तो दोस्तों इसके जो प्राइस चार्ट में हम लोग ये देखते हैं, मार्च 2016 में ये जो शेयर है तकरीबन मार्च 2016 में ये शेयर जो है 3,500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उससे इसका अभी थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा है। तो उस हिसाब से दोस्तों हम लोग को ये मान के चलना चाहिए कि ये शेयर जो है 4,100 रुपये के भाव पर पुनः जा सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि लॉकडाउन अभी चालू है और इसका Q1 का रिजल्ट अब जो आएगा जून में, उसमें भी इसका इम्पैक्ट COVID-19 का देखने को मिलेगा। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो मारुति सुजुकी का शेयर है वो 4,100 रुपये की तरफ जाने की ज्यादा संभावना बनती दिख रही है। लेकिन फिर भी जब भी मार्केट कंडीशन अच्छा होगा, अब कोविड का इम्पैक्ट से बाजार को मुक्ति मिलेगी, तब ये लगभग जो है 6,000 के भाव पर ट्रेड करने की क्षमता रखता है। लेकिन तब तक हम लोग रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर को इंतजार करना होगा कि कब बाजार सुधरे और मारुति में हम लोग पैसा बना पाए। दोस्तों अभी हम लोगों ने पुराने वीडियो में देखा कि हम लोगों ने एस्टिमेट लगाए थे इनके फुल ईयर रिजल्ट के आधार पर, एनुअल रिजल्ट के आधार पर, कि जब भी मार्केट की स्थिति सुधरेगी तो मारुति का शेयर जो है लगभग 6,000 के आसपास के भाव को छुएगा, ऐसा हम लोगों ने उम्मीद लगाया था। और जो एक्सेल शीट के आधार पर हम लोगों ने वो एस्टिमेट लगाया था वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इस आधार पर कह सकते हैं कि मारुति का शेयर एनुअल रिजल्ट के आधार पर तो फेयरली वैल्यूड हो चुका है। अब चूंकि इसने अपना Q1 का रिजल्ट प्रस्तुत किया है, तो अब हम लोग चल करके उसको इनके Q1 के रिजल्ट को एनालाइज कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि Q1 के रिजल्ट के आधार पर मारुति का शेयर भाव आने वाले दिनों में किस प्रकार का रह सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मारुति का Q1 का रिजल्ट यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है और ये सारे आंकड़े जो हैं मिलियंस में हैं, और यहाँ पर इनका क्वार्टर इंडेड रिजल्ट है और राइट साइड में ईयर इंडेड रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग मार्च क्वार्टर देखें दोस्तों, तो मार्च क्वार्टर में इसने कुल 19,079 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया था, जबकि जून क्वार्टर में ये घट करके मात्र 5,424 करोड़ का रह गया। और इसकी वजह रही दोस्तों ये लॉकडाउन, ये आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सारे कंपनियों के रिजल्ट जो हैं काफी खराब आ रहे हैं, कुछ कंपनियों को छोड़ दिया जाए, और मारुति के सारे शोरूम जो हैं बंद पड़े हुए थे लॉकडाउन के समय में, हालांकि अब ये सारे के सारे खुल गए हैं, इन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया है। लेकिन जून क्वार्टर में सारा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और इस वजह से दोस्तों जून क्वार्टर में मारुति सुजुकी ने 249.4 करोड़ का लॉस भी बुक किया है, जो कि पिछले 10 सालों में मारुति सुजुकी ने कभी भी किसी भी क्वार्टर में लॉस नहीं बुक किया था। तो ये इनके लिए रिकॉर्ड ही बना है कि मारुति सुजुकी जैसी दिग्गज कंपनी जिसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, उनको लॉकडाउन की वजह से लॉस बुक करना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोगों ने देखा कि इनका रिजल्ट तो खराब हो चुका है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और मारुति सुजुकी के सारे शोरूम अब ओपन हो चुके हैं और ये अपने कारोबार को लगातार बढ़ा रही है। तो आने वाले क्वार्टर Q1 क्वार्टर से ज़्यादा बेहतर होंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन चलिए दोस्तों अब इसके चार्ट को देख करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मारुति का शेयर अब 6,000 के स्तर से कहाँ तक जा सकता है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मारुति का चार्ट हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि मारुति 6,281 रुपये पर क्लोजिंग दिया है और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है वो लगभग 5,454 रुपये पर देखने को मिल रहा है। और चूंकि मारुति का जो हम लोगों ने इस्टीमेट लगाया था कि ये 4,383 से लेकर के 5,943 के बीच में ये आने वाले दिनों में ट्रेड करेगी ये स्टॉक, और हम लोगों ने पाया कि ये अभी स्टॉक जो है लगभग 6,281 पर ट्रेड कर रहा है तो, और इसके रिजल्ट खराब रहे हैं तो आने वाले दिनों में हम लोगों को इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, और करेक्शन में जब गिरावट आएगी तो इसका इमीडिएट जो सपोर्ट है वो लगभग 5,500 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों चूंकि मारुति का जो फेयर वैल्यूएशन है 6,000 रुपये के आसपास है तो ये करेक्ट होकर के 5,500-5,600 के आसपास आ सकता है, और जब भी इसमें गिरावट होगी दोस्तों तो हम लोगों को इसमें इसकी राय बनानी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और लॉकडाउन के बाद जो इनके सारे शोरूम ऑपरेशनल हो चुके हैं तो आने वाले क्वार्टर होंगे उसमें इनके रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, तो आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी तेजी बन सकती है। लेकिन फिलहाल इसमें अभी हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है और वहाँ पर हम लोग अपने निवेश की राय बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।